दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि आपका दोस्त या आपका जानकार कंप्लेंट देता है कुछ खाने के बाद या कुछ पीने के बाद उनको दूसरे दिन या मोशन करते वक्त जलन सी महसूस होती है या बर्निंग सा महसूस होता है। सो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं आपको आपकी इस क्वेरी के बारे में सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा और इसको सॉल्व करने के बारे में आपको सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष आप सबका स्वागत करता हूँ प्रिस्टीन केयर की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एक जनरल सर्जन हूँ और लगभग 14 साल से मैं अपने पेशेंट्स की देखभाल कर रहा हूँ। सो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बर्निंग सेंसेशंस वाइल पासिंग स्टूल्स। क्या ये आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है या क्या ये आपकी हाइजीन से रिलेटेड है? प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट सर्जन्स प्रोक्टोलॉजी में हाईएस्ट नंबर ऑफ सर्जरीज करते हैं इंडिया में। प्रिस्टीन केयर इज ऑल्सो अवार्डेड एज द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज। सो दोस्तों, मेरा उद्देश्य और मेरा एम ये है कि आपकी क्वेरीज के बारे में आपको मैं सिंपलेस्ट सॉल्यूशन दूँ ताकि आपकी लाइफ हेल्दी और फिट रहे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अब हमारे टॉपिक की ओर, जो है बर्निंग सेंसेशंस वाइल पासिंग स्टूल्स। सो दोस्तों, पहले तो हम एनाटॉमी समझेंगे एनल कैनाल की। सो ये है एनल कैनाल, दिस इज कॉल्ड एज एनल वर्ज, दीज आर द स्फिंक्टर मसल्स, दिस इज द इंटरनल स्फिंक्टर, दिस इज द एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल। सो दोस्तों, फिशर मतलब एक घाव जो मोशन के एरिया के नीचे या एनल वर्ज के पास रहता है। दिस कैन बी आइदर अबव और बिलो और ऑन ऑल साइड्स। दूसरा है दोस्तों पाइल्स। पाइल्स मतलब एक मस्सा बनना विच कैन प्रोट्रूड आउट फ्रॉम दी एनल कैनाल एंड आउटसाइड। सो दिस कैन बी पोजिशन ओवर हियर, हियर और हियर। थर्ड इज द प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज फिस्टुला दोस्तों, जहाँ पे कि एक फुंसियाँ बन जाती है जिसका कि एक इंटरनल ओपनिंग रह सकता है और एक कनेक्टिंग ट्रैक रहता है जिसमें कि पस, ब्लड या वाटरी डिस्चार्ज आ सकता है। सो दोस्तों, अब ये आपको समझाने का उद्देश्य क्या है? सो दोस्तों, हमारा टॉपिक है बर्निंग वाइल पासिंग स्टूल्स या बर्निंग आफ्टर पासिंग स्टूल्स। सो दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर बर्निंग वाइल पासिंग स्टूल्स इज इम्प्रॉपर हाइजीन और लेस हाइजीन, पुअर हाइजीन। वॉट डू यू मीन बाई पुअर हाइजीन? Poor hygiene means after passing stools, you are not cleaning the anal area properly. So what happens is that stools will stick around the area. If you have a fissure, then it may stick around on that wound. If you have piles, then it will be sticking around on that piles mass or around the fistulous opening or around the perianal area. So stool जो रहती है वो corrosive रहती है, जिस वजह से अगर वहाँ आप अच्छे से hygiene नहीं maintain करोगे तो आपको बर्निंग होगा या इचिंग होगा। सेकेंड रीजन इज मे बी यू कैन से फूड। फूड विल इंक्लूड लाइक अल्कोहल इनटेक, टेकिंग ऑफ स्पाइसी या ऑयली फूड, लेस फाइबर, कम फाइबर लेना खाने में, पानी कम पीना, जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो फिशर्स को बना सकता है। सो दोस्तों, ये कुछ कारण होते हैं जिस वजह से एनल एरिया में बर्निंग हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं इस चीज़ को अवॉइड करने के कुछ नुस्खों के ऊपर। सबसे पहली बात तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है। आफ्टर पासिंग स्टूल्स आपको एरिया, एनल एरिया जो है उसको अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करना है सो दैट द स्टूल वहाँ पे स्टिक ना करे, स्टिक नहीं रहे। दूसरा दोस्तों, आपको अवॉइड करना है ऑयली खाना, स्पाइसी फूड, ताकि आपको जलन ना हो। थर्ड थिंग दोस्तों इज प्रॉपर वाटर इनटेक आपको मेंटेन करना है। 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है और हाई फाइबर डाइट आपको लेना है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप भी इस दिक्कत से सफ़र कर रहे हैं तो इसमें घबराने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल बात नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात करें
ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सही से सुनेंगे, समझेंगे और आपको सही सलाह देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोक्टोलॉजी सर्जरीज करते हैं इंडिया में। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और सही सलाह पाए। दोस्तों प्रिस्टीन केयर के एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और आपको सही सलाह देंगे। याद रहे दोस्तों, आपकी हेल्थ और फिटनेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन प्रिस्टीन केयर। अपनी पाइल्स, फिशर या फिस्टुला से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए और सही सलाह पाइए।